वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करते हैं अब बीएससी पार्ट सेकंड के अगले लेक्चर के बारे में। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सेपरेबल वेरिएबल्स, यानी चरों को पृथक्करण करने के विधि से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो हमने कुछ सवाल किए भी थे, देखिए बेटा एग्जाम्पल अपने लगभग सारे हो गए थे, क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन कहाँ तक हुए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये फर्स्ट बी है, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए बेटा क्या हुआ, इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने, साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी सॉरी साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स बराबर सी। समझ में आया? देखिए बेटा आप लोग जानते हो फॉर्मूला, ये कहाँ से लिखा है मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए बेटा आगे देखिए, देखिए देखिए क्या आया बेटा, एक्स कॉमन ले लें, ले सकते हो या आप चाहो तो इधर भेज दो इसको भी, एक्स कॉमन लेके वाई प्लस 1 डी वाई और ये डी एक्स है एक्स वाई प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब x से डिवाइड किया तो कितना आया, y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स वाई 1 बाई एक्स। तो y को एक साइड भेज दें और x को एक साइड भेज देते हैं। ध्यान से समझना बेटा, कोई भी समस्या आए साथ के साथ पूछ ले। y प्लस 1 डी वाई वाई प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स,
y dy plus dy y dx. प्लस वन बाई एक्स डी एक्स. अब आप ध्यान से देखिए, ये वाई का ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. यहाँ समस्या आ रही है, देखिए बेटा इसको, सवाल को एक बार वापस देख लेता हूँ मैं. ओहो मिस्टेक हो गई लिखने में. ये बेटा वाई है, देखिए ये क्या है, वाई है. तो यहाँ से एक बार वापस बिठा लें आप लोग, सवाल उतारने में थोड़ी मिस्टेक हो गई इसलिए सेपरेट नहीं हो रहा. देखिए बेटा, x y प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, वाई कॉमन x प्लस वन. देखिए y प्लस वन डी वाई बटे वाई एक्स प्लस वन एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन किया वाई लॉग वाई एक्स लॉग एक्स. अब चाहो तो लॉग में लिख दो सही, चाहे कैसे भी लिखो आपकी मर्जी. वाई माइनस एक्स लॉग एक्स बटे वाई, क्योंकि इधर आएगा माइनस में, प्लस लॉग सी, यानी y माइनस एक्स लोग सी एक्स बटे वाई. सी एक्स बटे वाई बराबर e की पावर y माइनस एक्स. तो c x बराबर y e की पावर y माइनस एक्स. या आप लोग इधर पक्षांतरण करके और भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपकी बुक में आ रहे वैसा भी निकाल सकते हो. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा. देखिए बेटा, देखिए आगे के सवाल देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 7, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई. डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. डी वाई ई की पावर माइनस वाई, क्योंकि बटे में जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रेशन किया ई की पावर वाई माइनस वन ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब बटे तीन प्लस सी. राइट, आगे आप लोग चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, माइनस ई की पावर माइनस वाई है, उधर भेज दो. तो माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर एक्स क्यूब बटे थ्री प्लस सी. चाहो तो माइनस को इधर ले लो,
एक्स क्यूब बटे थ्री, माइनस थ्री को भी आप लोग क्या लिख सकते हो, सी ही लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यहाँ तक निकाल सकते हो, वहाँ तक निकाल सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? ध्यान से समझे बेटा, ये फिर मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप आंसर निकालोगे, हो सकता है किताब वाला कहाँ तक निकाले, आप इसमें टेंशन ना लें, आप खाली सोल्व करें, सी हो सकता है इधर लिख दे, कई बार इधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस सी भी सी होता है, प्लस सी भी सी होता है, सी की पावर तीन भी सी होता है, हजार भी सी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर एट, ध्यान से समझे बेटा, सॉरी थ्री, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देखिए y को एक साइड लेंगे और x को पहले हम लोग इसको ले लें, इसको इधर लिया हमने, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, थ्री थ्री एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस थ्री थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए वाई को एक साइड ले लें, डी एक्स को ले लो, नहीं एक साइड एक ही बात है, ठीक है डी एक्स, अब देखिए बेटा इसको अलग अलग करें, पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए बेटा ध्यान से समझिए, ए प्लस थ्री बी एक्स प्लस बी एक्स, एक्स वन प्लस थ्री एक्स, कट गया। अब तुलना कीजिए, ए की वैल्यू तो वन, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पहले शॉर्ट तरीका भी है इसका, थ्री कितना हो गया बेटा, थ्री बी और एक्स कॉमन लिया आपने, फोर बी हो गया, देखिए ए प्लस थ्री ए एक्स आएगा ये, ठीक है। तो आप लोग पहले देखिए कांस्टेंट बराबर तो वन, ए का मान आ गया, बाकी थ्री ए प्लस बी बराबर जीरो, ए का मान आपके पास ऑलरेडी है, तो बी का मान माइनस के तीन आ गया, यानी वन बटे एक्स माइनस तीन वन प्लस थ्री एक्स डी एक्स, देखिए इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है, लॉग सी कितना आया,
लॉग एक्स बटे वन प्लस थ्री एक्स का क्यूब लॉग सी वाई माइनस थ्री, एक्स बटे वन प्लस थ्री एक्स का क्यूब सी वाई माइनस थ्री। इधर ले लो, इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन बटे सी लिख लो तो भी सी होता है। ठीक है, ध्यान से समझे बेटा, सवालों को ध्यान से करिए। सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझे, कि जिनको फॉर्मूले नहीं ध्यान है, वैसे तो मैंने फर्स्ट ईयर की एक क्लास ली है उसमें फॉर्मूले बताए गए हैं सारे, वो आप लोग देख लें, और जिनको फिर भी फॉर्मूले नहीं पता है वो आप लोग किसी बारहवीं किताब उठा के पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर मैं भी आपको एक बार फिर वापस बता दूंगा। फॉर्मूले तो आपको ध्यान होना ज़रूरी है, ठीक है, अवकलन समाकलन करना ये आना ज़रूरी है। ध्यान से समझे बेटा, सेपरेबल वेरिएबल्स कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। एक बार एक तरफ x को सेपरेट करेंगे, एक तरफ y को सेपरेट करेंगे, फिर दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे, और बड़े आसानी से आप लोग इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें घर पे, है ना। बाकी आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं।